हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओडिशा एक्सप्लोरर्स। तो आज पुणी आम ट्रैक को आसचे जो थे कि आम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर अप करवा। बहुत आपर दिल्ली पुलिस होगलैंड फॉरेस्ट गार्ड रहा एंड अदर एग्जाम निहत भाव ये हेल्पफुल रोक कंटिन्यूस। ये मतलब मेसेज आसी के रिलेटेड क्लासेस दरकार, तो निहत भाव आप क्लासेस आसी एंड यापर कंटिन्यूसली चलो ही चलो। तो समस्त क्वेश्चन आम आज एमती क्वेश्चन डिस्कसन करा, निज भितर एमती कन्फिडेन्स रखिए। आप जान रखे ये टाइप रोश्चिन जब आप देखते तेल गोटे थर के आप भावक भी पड़ोनि। क्वेश्चंस विद इन आपर 20 सेकेंड भितर सॉल्व हो जदि भी आप प्राक्ट खराब अच्छे यहाँ हूँ मैक्सिमम। जदि आप कैलकुलेशन भल अच्छे एंड बेस्ट अच्छी तेल 10 रु 15 सेकेंड लगे। ओके ये आप आज कन्फिडेन्स रखु कि जहाँ भी आज एक्चुअली आम परसेंटेज उपर डिस्कसन कराया कहीं परसेंटेज आम स्टार्ट करते। तो फास्ट वीडियो जो देखी ना तेल ये आई बटन आसुव गोटे देखी नि आप क्लिक करेंगे। क्लास सरला वीडियो को देखिपर जो थे कि आपको फास्ट जो फंडामेंटल क्लियर करा आम डिस्कसन कर तो नेक्स्ट को जी पूर्व जा रखु आपने चाहिए जो डेली बेसीस देखते फास्ट फ्री क्लासेस आप देखिपारे। देन आम अनएकाडेमी ओपीएससी अनएकाडेमी आप जानते हैं बहुत दिन है जड़ित होती एंड डेली बेसीस क्लासेस भी सेठ आसूसी। डेली 3टा फ्री क्लास आसूसी अनएकाडेमी एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करेंगे सेठी जी। तो डेली 3टा रे गोटे आपणकर फ्री क्लास आसूसी साइंस रो 7:30 रे आपण जियोग्राफी रो क्लास पाइबे एंड आपणकर राती 9टा रे डेली बेसीस रे इंग्लिश ग्रामर रो क्लासेस आसूसी। तो ये 3टा को क्लासेस आपण टाइम टू टाइम पाइबे। जदि आपण एप्लीकेशन को डाउनलोड करसुंदी देन सेठी आपण जानि रखंतु प्लस रे जो माने प्रिपेयर होसुंदी आपण पई वर्तमान कंबाइंड ऑडिटर आसीला सीपीएससी रो 2019 पोस्ट एवं सीपीएससी पई जदि देखिया 2018 पई आपणकर भी कोर्सेस चली। सीपीएससी 2017 रो मेन पई 2017 रो मेन कोर्सेस चली एंड सेक्रेटेरिएट एएसओ कोर्स ओसीएस फाउंडेशन जो मैंने ओपीएससी रो सिविल सर्विसेस प्रिपेयर भी कोर्सेस चली। सीपीएससी रो दुटा टॉपिक चलुच्छे आप सिंगल सब्सक्रिप्शन ने जान रखते बेस्ट जिनस घर बस एक्चुअली पढ़ी पारे एंड आराम रे मोबाइल रे देखि परिबे। जदि आपण सब्सक्रिप्शन नौसंदी समस्त कोर्स को मोर एक्सेस करि परिबे। टॉप एजुकेटर्स माने केवल मोर क्लासेस नु समस्त एजुकेटर को एक्सेस करि परिबे एंड समस्त टॉपिक आपनर क्लियर होचे एंड रेगुलर आप डाउट क्लीयरिंग सेक्शन मीन्स आपनर प्रति 3टा क्लास रे गोटे गोटे डाउट क्लीयरिंग सेक्शन रोचे एवं स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट रे मिलिजो। आंसर राइटिंग सेक्शन रहिला एंड गाइडेंस टाइम टू टाइम आपको मिलिबो। सबले जानि रखुन गाइडेंस इज मोस्ट इंपोर्टेंट वन एंड लाइव टेस्ट सीरीज आपको टाइम टू टाइम मिली चलो। तो ट्राए करते हैं जॉइन होगा सिंगल सब्सक्रिप्शन ने सिंगल सब्सक्रिप्शन कोड टा यूज करेंगे अमियो लाइव देखो रेफरल कोड मस्ट यूज करेंगे कहीं अमियो लाइव कोड यूज कले ही आपको 10% डिस्काउंट मिले जहाँ भी प्राइस अच्छे आगे डिस्कसन करा। समस्त बैच कोर्सेस एग्जाम कोर्सेस एंड टेस्ट सीरीज रही जाओ समस्त एजुकेटर सहित लाइव इंटराक्ट हे गाइडेंस भी पाए सब क्लास पीडीएफ नोट डाउट क्लीयरिंग सेक्शन और सब क्लास सुइटेबल टाइम एंड टाइम टू टाइम आपको क्विजेस भी मिलजिव। तो ट्राए करते जॉइन होगा एंड बेस्ट पार्ट हूँ आप जिते बेले भी आप देखी नि प्राइस प्राइस हूँ सब बेस्ट अनएकाडेमी ऑल ओवर इंडिया रे ओपीएससी बहुत ही बेस्ट प्राइस रखा जाए। देखो 1 मंथ रही 1260 कोड यूज कलापर ये ना आपको 1400 देखेब जिते आप कोड यूज करेंगे 1260 तीन मस को आप 3150 6 मस को आप 5040 12 मस को आप 6300 एंड 24 मस को 7560 वेट एथिरे भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। जो मैंने आम सब्सक्राइबर या आम वीडियो को सब देखुं डेली आप 3टा लेखे फ्री क्लासेस देखते गोटे वीक पर्यंत देखिए गोटे वीक पर आपको किसी क्रेडिट मिले जो मैंने आम चैनल जाऊँ क्रेडिट मिले से क्रेडिट रे आपन यूज कले एटा कोर्स आपको 2990 समथिंग रे पाइबे एंड ये आप 4990 रे मिलजिव एंड ये आप 5804 रे मिलजिव एंड ये जो कोर्स अच्छे 6804 मिलजो याठ बेस्ट कौन 24 मस 6804 ई एम आई पारे ईएमआई बेसीस यूपीआई रही जाऊ ये आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो थे भी चाहिए आराम से आपको आवेल करे पारे। ओके तो कोड टा आप देखी ना जो तले स्क्रल होती अमियो लाइव यूज करेंगे। ओके अमियो लाइव ये आप देखिए अमियो @305 भी यूज करें तो अमियो लाइव कोड ए कोड टा रेफरल कोड मस्ट यूज करेंगे। ओके तो क्वेश्चन आंसर सेक्शन ऊपर को जीवा यस
तो फर्स्ट क्वेश्चन देखि नियंतु ड्यू टू ए 25% ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सुगर पर किलोग्राम ए पर्सन इज एबल टू परचेज 20 केजी लेस फॉर 400 ओके व्हाट इज द इंक्रीज प्राइस ऑफ सुगर पर किलोग्राम दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट कहेंगे ना ड्यू टू ए 25% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सुगर पर किलोग्राम ए पर्सन एबल टू परचेज 20 केजी लेस फॉर 400 व्हाट इज द इंक्रीज प्राइस ऑफ सुगर पर केजी तो बेसिक जिनस जान रखु कौन देना कि आगुरी जीक किणा होता एवं कौन होना कौन सी वैल्यू पर 25% आप इनक्रीज होती 25% इनक्रीज हो किलोग्राम रोज पर्सन एबुल टू परचेज के मैं 25% इनक्रीज है फल ओके ए पर्सन इज एबुल टू परचेज 20 केजी लेस 20 केजी कम पाँच ओके 20 केजी लेस पाँच 25% इनक्रीजमेंट होती क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो कौन सी भी शॉर्ट ट्रिक नहीं आप बस क्वेश्चन करेंगे जो इजिली ओके तो ये देखो जब 25 केजी इनक्रीज होती 100 केजी इनक्रीज हम 100 केजी इनक्रीज हेल्ले से केजी किण ये जिन जान रखु 25 रु 100 जावाई कौन मल्टीप्लाय 4 कले ये आप 20 रु आम सेम जिन एपटे जब 4 मल्टीप्लाय कले भी 4 मल्टीप्लाय करेंगे तेल ये जान रखु बेसिक जिनस कौन ये जब देखिए 80 केजी है 4×8 तो 80 केजी से निबल टू परचेज 80 केजी जब यहाँ बढ़े एक्चुअली न्यू वैल्यू यहाँ सब जान रखु न्यू वैल्यू आसला ये जो न्यू वैल्यू मीन 80 केजी को आपते आसूसी निहत भाव 400 टाँग आसूस 80 केजी को जब 400 आसूसी तेल गोटे केजी को आपको केत पड़ 400/80 तेल यहाँ आपर के 0 गला ये 8/5 आसला तो 5 केजी रहा डायरेक्ट सॉरी 5 टाँचा एक्चुअली 5 केजी नु 5 रुपीज ओके तो ये जो देखिए व्हाट इज द इनक्रीज प्राइस ऑफ सुगर पर किलोग्राम इनक्रीज प्राइस है पर केजी हिसाब से आंसर मिल गला कि नहीं पर केजी हिसाब से आप 5 टाँग लगे इनक्रीज होपफुली बुझीपारी ये जिनस गुड़ा इंपोर्टाट वन आपको जानवा भी दरकार ओके तो मेन हूँ कौन जो 25% इनक्रीज है ये हिंसा 25% इनक्रीज है 20 केजी अधिक किणुच 100% इनक्रीज है 80 केजी किण कमी 25 रु 100 आसपा 4 मल्टीप्लाय कराई 20 रु ये भी 4 मल्टीप्लाय 80 केजी को आम प्राइस देती लेस फर रुपीज 400 देन ये गोटे केजी को 400/80 करदे 5 टकर आमको मिल जाऊँगी तो से रिलेटेड आउ गोटे क्वेश्चन अच्छी बट ए डिफरेन्ट वे आम सल्व करा गोटे ग्राफिकाल मेथड ओके ग्राफिकल मेथड कौन ना इंपोर्टेंट बढ़िया से एक्चुअली इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज डिक्रीज बाय 20% एंड इट्स कंजम्पशन इज इंक्रीज बाय 20% देखो कौन सी जिनस गोटे प्राइस कौन है ना डिक्रीज है आप 20% ओके एंड इट्स कंजम्पशन जो कंजम्पशन होता आप जान रखु कंजम्पशन आप इनक्रीज है के 20% ओके व्हाट बी द इनक्रीज और डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑफ द कमोडिटी देखो यहाँ को आम इफेक्टिव परसेंटेज रे करि परे ए प्लस बी प्लस ए बाय बी बाय 100 बट एठी आम इफेक्टिव रे मु परे करबे इफेक्टिव परसेंटेज रो अलग पार्ट रे आम डिस्कशन करबा बट एटा को आम ग्राफिकल मेथड रे करि परबा सपोज अछि व्हाट विल बी द इनक्रीज और डिक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी इनक्रीज हबो या डिक्रीज हबो एक्सपेंडिचर रे ओके तो एठी आम कोन करिया डायरेक्ट मानियंतु आम 100 एटा माइंड कैलकुलेशन मेथड नो 100 नेउचे तो ये कौन है ना डिक्रीज है 20% 100 गोटे जान रखु कि डिक्रीज होते 20% गोटे डिक्रीज है 100 जो 20% डिक्रीज होती 100 20% आम जानचे 100 × आप 20/100 सरी डिक्रीज होती ना तो माइनस 20/100 इंटू 100 करदे तो डायरेक्ट हेल्ले आप 80 आसो तो ये आम लिखिद 100 20% डिक्रीज है मैंने 80 यहाँ हूँ कौन डिक्रीजमेंट इन प्राइस एटा प्राइस कौन है ना डिक्रीज होती ओके देन कंजम्पशन कौन है ना कि 80 रे 20% आप कंजम्पशन बढ़ीगला ओके तो ये आम 20% कौन है ना इनक्रीजमेंट है एक्चुअली ग्राफिकल मेथडटा देखो 80 रो 20% बढ़ला मानने तो ये 80 प्लस होना कौन ना 20/100 करेंगे देन ये आम कौन ना मल्टीप्लाय 100 सिंपल जिनस 80 रि देखिए 20% आप इनक्रीज हो 20% इनक्रीज होता आप 120% एक्चुअली होता है बट आम छाड़ी रखा जब करवा 120 जान रखु 96 80 रो 20%
बुझे आपन के 96 आसीबो ओके ए जिंस जानिया दरकार कहीं ना 8% टा 80 रो बेसिक रे जो देखिया 80 रो 10% होचे आपन रो के 8 तो 20% हेले 16 ही होबो तो 16 हेले हमर 80 रे खाली 16 टा ऐड कर दा 96 आसीबो तो 96 जदि आसो एडा होचे ओवरऑल 96 जदि रहूची ताले एटा होची कंजम्पशन ओके ताले एटा होची देखो 100 थिला एडी 96 हेला तो ये कौन है ना माइंड गोटे 4 डिक्रीज है कि नहीं ओके 4 जदि देखिए आपनर डिक्रीज है जी एडी मींस होची आपनर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर खाली क्वेश्चन देखिबे सॉल्व करिया आउ किछि नहीं प्राइस आपनकर जोची जेतिकि थिला 20% इंक्रीज डिक्रीज हला कंजम्पशन 20% बढ़ला 100 आमे टोटल नै जीवा 100 रे आगे प्राइस 20 बढ़ला 80 हला 80 थिला बले कंजम्पशन 20 बढ़ला तो 96 हला तो 96 हले 100 रु 96 हले 4% डिक्रीज है जी जदि इंक्रीज हे थांदा ताले 104 ही आस्तांदा ओके नेक्स्ट बुझिबा गोटे इम्पोर्टाट क्वेश्चन होपफुली समस्त बुझीपारे जदि भी किसी प्रोब्लेम होती दिने आम जूम रे क्लास आसो जोटा कि डाउट क्लीयरी क्लास ओके ये आप जो मैंने जॉन हो चाहते निहत भाव टेलीग्राम जॉन हूँ कौन केमी क्लासेस हम केबे क्लास हम मुझे अपडेट देदेवि इफ एज सैलरी इज 25% मोर दैन बीज सैलरी देन बीज सैलरी इज हाउ मच लोअर दैन एज सैलरी एटा एक्चुअली हूँ 33 अपॉन 1/3 ऑप्शन एंड ये हूँ आप जो देखिए 16 अपॉन 2/3 एक्चुअली ओके तो बट आम जी डायरेक्ट क्वेश्चन क्वेश्चन ए रैलरी ये देखो ए रैलरी इज 20% मोर दैन 25% मोर दैन बी रैलरी तो मैंने ए रैलरी आम कर सैलरी दीटा मेथड करी जोटा कि इजी मेथड गोटे एंड गोटे स्मार्ट मेथड कराब ये 100 थी एथेरे 25% बढ़ला 100 रे 25% बढ़ला मैंने आम जानते 125 हम 125% बढ़ी मैंने आम एम लिखिपर ना 100 प्लस 25/100 इंटू आप हूँ के 100 जोटा कि 125 हम डिफरेन्ट बिटवीन ए सैलरी एंड बी सैलरी तो बी रखु डिफरेन्स आम बाहर करिफरेन्ट बिटवीन एस सैलरी ओके एस एंड बी सैलरी ओके यहाँ आम कमी बाहर करा ना फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये हूँ ए रचिश बाहर गले बी रहा 100 नहीं थे तो डिफरेन्स हूँ के 25 आसूँ 25 रिफरेन्स जो आसे आम कर देन हाउ मच लोअर देन ए रैलरी तो लोअर वैल्यू आम जो करा के ना 25/8 हूँ के 125 मल्टीप्लाय 100 करा तो ये आस 5 ये आप डायरेक्ट 20 रे जीव तो डायरेक्ट आंसर आसे 20 ओके ना एमती भी आम डायरेक्ट करमी ना 100% ऑफ़ बी सैलरी 100 रे जो बी सैलरी हूँ यार 25% इनक्रीज है जोटा कि 125 आसला जदि 125 है जो 20% डिक्रीज हे 20% जो डिक्रीज हम 120 रु जदि 20% डिक्रीज होती ओबियसली आमर 100 ही रोच तो जो डिक्रीजमेंटा आसे ना बी सैलरी लोअर दैन ए सैलरी 125 रु 20% डिक्रीज कले आप 100 ही आस बेसिक जिन आपरे करूँ ये आप ग्राफिकल मेथड आंसर सब सेम आसो ओके नेक्स्ट वन इज इफ साइड ऑफ ए रेक्टांगल फिल्ड डिमेंस बाय 40% बाय हाउ मच परसेंट इज द एरिया ऑफ द फिल्ड डिमेंस्ड मेन कहला इच ऑफ ए रेक्टांगुलर फिल्ड एटा गोटे रेक्टांगुलर फिल्ड दे दीची तो डिमेंस्ड बाय 40% इच साइड ऑफ ए रेक्टांगुलर बाय हाउ मच परसेंट द एरिया इथि जदि सबुथरे आपनकर 40% रोटे डिक्रीजमेंट है तो ताल ये आप जान रखु तार यार एरिया के डिमिन्स मीनस आप देखो डिक्रीज होमिन्स मीनस डिक्रीज एटा आम एम डायरेक्ट कर टोटाल लेंथ आम 100 नहीं जावा 100 रे एक्चुअली कौन हम ना 40% कमी 40% इच सैड कमी आगे लेंथटा मुदेवी आगे लेंथटा कमला लेंथटा जब आम कमुची तेल ये आप जान रखु 60 है 140 कमे 60 आसो देन ये 60 लेंथ जब 60 कमला देन 40% आम कौन कमुची ना ब्रेथटा ओके जदि एस बीआर डी जब देखिए आप ब्रेथ कमुची 60% तो 60 40% आम जानते 36 ये आप बाहर करेंगे 60 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 60 ओके तो जोटा कि आपत भाव में करेंगे
तो 36 आसला जो 40% कम 36 तो 100 रु डायरेक्ट आप करेंगे 36 माइनस करते 100 रु 36 माइनस कले 64 आस तो आंसर के 64% किसी ना आठ करना डिमेन्स बै एरिया तो 100 थिला टोटल आगर एरिया 36% कमुची लेंथ एंड लास्ट लास्ट देखो लेंथ कमला 60 है 60 रे पुणी 36 कमला 60 रे 40 कमला तो 36 आसला डायरेक्ट ओवरऑल 36 गले तो 100 रु 36 गले आपको डायरेक्ट 64% आसला ना आपठी करेंगे लेंथ आपर 20% माइनस कले मैंने बार आस ये 6 आस देखकर एरिया बास कर बार आ छब बास कर स्क्वायर यूनिट हो गला तो ये आम 100 रु आम कौन करा बास कर फेड़ी जा 100 रु जब बास कर सरी 200 एक्चुअली एरिया रोज 200 मैंने लेंथ आउ ब्रेथ ने बास कर 128 स्क्वायर यूनिट आस दे 128 बै आप 200 मल्टीप्लाय 100 जोटा कि आपर काटिदे जो के आपर ये आप 64 होमती भी करेंगे ना आपड़ ग्राफिकल मेथड्रे भी जापर जो आप बेस्ट लगुच सहीटा भी करें ओके नेक्स्ट वन यार पीडीएफ आपको टेलीग्राम मिल जाव द प्राइस ऑफ द प्राइस ऑफ प्राइस फॉल बाय 20% हाउ मच राइस कैन बी बॉट नाउ विद द मनी दैट वाज सफिशिएंट टू बाय 20 kg ऑफ राइस प्रीवियसली द प्राइस ऑफ ए राइस देखो राइस रो प्राइस होची कोन ना 20% फॉल हैची हाउ मच राइस कैन बी बॉट नाउ विद द मनी दैट वाज सफिशिएंट टू बाय आपनकर 20% कमीची आ 20 kg आपनकु किणीबार अछि ओके किणीबार अछि तो डायरेक्ट आमे इमिति करि परिबा कौन हम ना सब इनिशियली आप 100 ने 100 नहीं जी तो ये आप 100 टाँग खर्च होरतु 20 kg कि बेसिक जिन किसी क्वेश्चन ही सल्व कराऊ कि अलग कराऊनि आज द प्राइस प्राइस आप 20% फल है क्या उपरे आपर ये बाहर न्यू प्राइस आपचुअली 20 kg के 20 kg राइस ओके तो यहाँ आम के पारा ना 100 रु 20% कमला 100 रु 20% कमला मैंने आम कौन ये 100 जो देखिया के 80% ओके 100 रु 20 80 तेल न्यू प्राइसटा आपत आसो एपट सैड करें न्यू प्राइस आपंकर हम केदी आम न्यू प्राइस कथा देखा तेल ये 80 रही रु आम के 20 kg कि अच्छी तो 4 टा लेखे पर के जी आपको मिलला ओके तो ताले राइस कैन बट जब देखिए 20 kg आम कि अच्छी बट 100 टकर आम कि 100 बै 4 जब करदे 25 × 100 तो आम आंसर आसे ना 25 kg तो राइस देन हाउ मच दे सफिसीयंट टू बाय 20 kg ऑफ राइस प्रीवियसली तो जदि आम 4 टा पर के जी हिसाब से आनचे 100 टकर आम 25 kg राइस नहीं पारा ओके बेसिक जिनस एंड होपफुली आप बुझीपारी किसी ना देखो 20 kg की आपर किणवार अच्छी 100 टकर 20 kg किणुला बर्तमान आम कमीगला तो 80 टकर आसला तो 80 टकर से 20 kg जो कि 4 टकर लेखे पर के जी ओके तो 100 बै 4 करदे आम 25 kg से टोटाल आनी प्रिवियसली एटा गोटे क्वेश्चन देखो ये लास्ट क्वेश्चन ये इफेक्टिव परसेंटेज करवा जो ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100 ओके If the length of a rectangular is increased by 30% and the width is decreased by 20%, then the area is increased by. देखो तो जितने वाले ए टाइप रहा से इफेक्टिव परसेंटेज जो हमें करी था जितने वाले आपको दी टा परसेंटेज दे था एंड सब सेम था तो ये हमें कौन करेगा गोटे ए वैल्यू ना ए वैल्यू हूँ कौन ना आप इनक्रीज होनक्रीज हो मैंने प्लस 30 डिक्रीज हो मीनस आप माइनस 20 ओके तो फर्मूला पुट करेंगे ए प्लस बी प्लस ए बी माने ये 30 − 20 है देन प्लस यहाँ हूँ 30 × −20 ओके डिवाइडेड बाय 100 तो यहाँ को आम डायरेक्ट करते 30 × 10 गले सरी 20 गले 6 × 10 आसला देन ये हूँ आपर के 0 ये 0 काटिदेवे देन ये आपर हूँ ये भी 0 ये 0 काटिदेवे तो −6 × 3 × 6 तो ये आपको के 4% एंड 4% जेहेतु प्लस अच्छी तो प्लस अच्छी माने यहाँ हूँ इनक्रीज होके तो ये आम आंसर आसो ये जस्ट प्रिपेरेसन था पार्ट 3 रे आपको डिटेल्स रे सब कुछ बुझे दिया जीवो तो ट्राए करूँ संपूर्ण रेगुलर क्लासेस देखापी एंड जमी कहली आपण मैं
मान एकेडमी रे भी आपण जॉइन होतो डिस्क्रिप्शन लिंक अछि फ्री क्लासेस देखंतु देन प्लस रे जॉइन होबा कथा आपण ऊपर डिपेंड जदि भल लागे एंड जदि डेडिकेटेड अछन ताले आपण जॉइन नै परिबे बस आजर सेक्शन बे एंड करिया नेक्स्ट सेक्शन ने देखा हवा सेदिक पर्सन जय हिंद जय जगन्नाथ।